नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। पूरे लाइव डेमो के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, पूरी प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कहां से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, किस वेबसाइट से आवेदन करनी है और कैसे आवेदन करना है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड वाले सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें आना है उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है jeecup.org, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश। इस वेबसाइट पर हमें आना है और नीचे जैसे आइएगा होम पेज पे तो यहाँ पे दिखा देगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ग्रुप A, B, 2K। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों एक नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ग्रुप ए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ग्रुप B, 2K। तो ये अब आगे हम आपको बता देते हैं कि ए और बी के में कौन कौन सा कोर्स आ रहा है। दोस्तों ये सबसे बड़ी आवश्यक चीज़ है कि आपको जानना पड़ेगा कि ए में कौन सा कोर्स आएगा और बी से के तक कौन सा कोर्स आएगा। यहाँ से मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों मैं आपको सीरियली दिखा रहा हूँ, 28 अप्रैल 2019 संडे को है, सुबह 9 से 12 बजे तक ग्रुप ए के लिए। और 28 अप्रैल को है सेम उसी डेट को 2:30 से 5:30 बजे तक ग्रुप बी से लेकर जितने अदर कोर्सेज हैं उसका। तो नीचे हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों कि किस ग्रुप के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे 300 रुपये पर फॉर्म के लिए यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ी है और SC ST के लिए 200 रुपये प्लस बैंक चार्ज है। और नीचे आते हैं तो दोस्तों इस PDF का लिंक मैं आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आवेदन करने से पहले एक बार आप अवश्य पढ़ लेंगे, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ ग्रुप के बारे में और उसके बाद से मैं डायरेक्ट आपको ले चलूँगा कैसे आवेदन करना है। तो देख सकते हैं ग्रुप ए में जो आता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा, तो इसमें ए में आपको जो ग्रुप ए है उसमें आपको यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 10th पास या अपियर्ड विथ मिनिमम 35% मार्क्स। तो आपके 10th में 35% मार्क्स है तो आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन परसेंटेज फॉर एग्जामिनेशन यहाँ पे आपको चाहिए, ठीक है। इसी तरह बी में आप देख सकते हैं कौन सा कोर्स है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको चूज करना होगा कि आप किस ग्रुप में आवेदन करना चाहते हैं। अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कोर्स है, अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात की जाए तो और 10+2 पास होना चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, और बायोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इस तरह आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आप करना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी से तो आपको BSc पास होना चाहिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए उसमें। इसी तरह आपको सबसे पहले ग्रुप चूज करना है दोस्तों, ये सारे ग्रुप हैं आप किस ग्रुप से आवेदन करना चाहते हैं, उसके बाद से आपको आवेदन करना है। तो चलिए दोस्तों आप सबसे पहले ग्रुप यहाँ से चूज कर लें और उसके बाद से मैं आगे यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे आवेदन करनी है। तो आई होप आप उन्होंने ग्रुप चूज कर लिया किस ग्रुप पे आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद से हमें आना है सेम उसी वेबसाइट पे और यहाँ पे जिस ग्रुप में आवेदन करना चाहते हैं, सपोज आप ए में आवेदन करना चाहते हैं तो ए वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं ये ऊपर वाला दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ओपन होगा और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। थोड़ा सा यहाँ पर सर्वर स्लो की वजह से नहीं आ रहा है जल्दी से, तो थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा। अदरवाइज मैं इसका लिंक आपको डायरेक्टली YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है ऑनलाइन फॉर्म फॉर JEECUP ग्रुप B2K और ये जो टैब है मैंने आपको दिखाया ये ए के लिए है। तो ये दोनों का लिंक अगर मैं आपको दे देता हूँ, ये जैसे ये लिंक मैं कॉपी करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके वेबसाइट पर जा सकते हैं। ग्रुप ए के लिए आवेदन करना चाहते हैं मैं वहाँ पर मैंशन कर दूँगा और ग्रुप B2K के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे क्लिक करें। तो इस तरह आपको सिलेक्ट होना चाहिए। अब आपको सपोज B2K आवेदन करना चाहते हैं तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा दोनों का, ए का अलग और B2K के लिए अलग। तो हम चलते हैं एक कोई भी फॉर्म भर के आपको दिखाते हैं। सपोज मैं ग्रुप ए के लिए आवेदन करना चाहता हूँ तो मैं उस पर क्लिक करूंगा और B2K के आवेदन करना चाहता हूं उस पर करूंगा। तो मैं चलिए B2K के लिए आवेदन कर रहा हूं, तो आप मैंने क्लिक किया B2K के लिए और उस लिंक से मैंने गया और यहां पे देख सकते हैं ऊपर भी दिया हुआ है B2K के लिए UP 2019 पॉलिटेक्निक और आपको ये पहचान है। और उसके बाद यहाँ से डाउनलोड बुलेटिन इन्फॉर्मेशन
तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये वही जो पीडीएफ डाउनलोड होगा जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले दिखाया था, पूरा पोस्ट दिया हुआ था, सेम वही पीडीएफ है। तो आप इसे ऐसे भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। और जैसे आपको डायरेक्टली नीचे आना है, यहाँ पर देख सकते हैं एज भी दिया हुआ है, एज आपका क्या होनी चाहिए, और आपको नीचे आना है डायरेक्टली। यहाँ पर धीरे धीरे नीचे मैं आ रहा हूँ, और यहाँ पे इमेज का फाइल भी दिया है कितना केबी में बनाना है, और यहाँ पे टिक करना है क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा, और आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स फिलअप करना है, जैसे आपका नाम क्या है, फादर नेम, मदर नेम, और डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या होनी चाहिए। तो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मैं फिल कर ले रहा हूँ, और उसके बाद से मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप, आपकी पहचान एक कोई भी एक चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट नंबर या बैंक डिटेल्स कोई भी, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, और राशन कार्ड, स्टूडेंट आईडी या अदर वैलिडिटी कार्ड। अदर वैलिडिटी में आप डाल सकते हैं अपना आधार कार्ड, क्योंकि इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो आप आधार कार्ड यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब यहाँ आपको नीचे वहाँ पे आइडेंटिटी नंबर भरना है, ठीक है दोस्तों। तो अदर आइडेंटिटी नंबर आप यहाँ से भर लें, उसके बाद से आपको आगे यहाँ जो है एड्रेस फिल करना है। तो मैं यहाँ पर जैसे कि कोई भी आप भर सकते हैं, और यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अपना एड्रेस भरना है पूरा डिटेल्स के साथ, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप नेम भर दें, परिसर संख्या या सब लोकेशन, लोकेलिटी, स्टेट आपका क्या है, पिन कोड क्या है, ईमेल आईडी भी पूछा जा रहा है, और मोबाइल नंबर भी पूछा जा रहा है, ठीक है। एसटीडी कोड नहीं है तो उसे छोड़ दें। अब आपको यहाँ पर एक पासवर्ड चूज करनी है दोस्तों, 8 कैरेक्टर का सिंपली एक पासवर्ड आपको चूज करना है। जैसे आप देख सकते हैं एक लोअर केस मिनिमम 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, और एक मिनिमम, एक लोअर अपर केस, एक कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट द रेट, हैज़, डॉलर, इस तरह का आपको चूज करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ताकि अगर आप पासवर्ड भूल गए तो इसके हेल्प द्वारा आप पासवर्ड को तोड़ सकते हैं। तो इस आपको जो फेवरेट हो आप चूज करके उसका आंसर लिख दें, और यहाँ पे कैप्चा भर के सबमिट कर देते। चलिए मैं इसे फटाफट करके आपके आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो मैं इसे भर कर और आपको आगे का प्रोसेस, तो मैंने सब चीज़ भर लिया है, अब हम यहाँ पे करेंगे सबमिट। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये एक प्रीव्यू पेज यहाँ पे जनरेट होगा, ये बोल रहा है कि आप इसे एक बार मिला लें अच्छे से, अगर कुछ गड़बड़ है तो आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ फाइनल कर दें। तो मैं यहाँ पर एक बार मिला ले रहा हूँ, सब चीज़ सही है, अदरवाइज़ नहीं सही है तो आप एडिट रजिस्टर फॉर्म पर करके एडिट कर सकते हैं। अब सब पे टिक कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ टिक, और टिक करने के बाद से आई एग्री पे भी टिक करना है, उसके बाद से फाइनल सबमिट करना है, यस फाइनल कीजिए। तो जैसे फाइनल हो गया, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो चुका है, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुका है। इस कन्फर्मेशन मेल भी आपके मेल आईडी पे चला गया होगा जो आपने मेल आईडी दिया है, और पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टेप फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद अपलोड, उसके बाद फी। ये 4 स्टेप सिंपल स्टेप आप देख सकते हैं, और इसके हमको नहीं लगता कि इसके आगे आपको दिक्कत होगी। तो जैसे हम आपको थोड़ा सा और दिखा देते हैं आगे, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो कुछ और फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको आएगा, जैसे कैटेगरी, सब कैटेगरी आपकी क्या है, जैसे तो नॉट अप्लीकेबल करते हैं यहाँ पे अगर आपकी नहीं है तो, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर और मिलिट्री पर्सनल, तो नॉट कर दें। अब आपके यहाँ आप पूछा जाएगा, ठीक है, अब क्या आप ब्लाइंड हैं, तो देखिए थोड़ा सा इसमें इस तरह का सीजन एक्सपायर का ये इस तरह का आएगा, तो कोई इशू नहीं है, आप को बार बार लॉगिन होना पड़ेगा, यहाँ से चूज करें आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना किए हैं। इसका भी मैं लिंक दे दूंगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लॉगिन पेज का आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फिर से मैं एप्लीकेशन नंबर डालूँगा मेल से निकाल के, और मैंने यहाँ से मेल से खोला, और यहाँ से देख सकते हैं मैंने मेल से यह कॉपी कर रहा हूँ, एक मेल आपके मेल आई डी पर चला गया होगा एप्लीकेशन नंबर, तो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, और ये पासवर्ड मैंने जो क्रिएट किया था वो, और सिक्योरिटी कोड, और साइन इन करूँगा। तो दोस्तों थोड़ा सा सीज़न एक्सपायर बार बार हो रहा है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, पता नहीं ये वेबसाइट थोड़ा लो कैटेगरी का है। अब यह कंप्लीट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, और सेम आपको उसी तरह भरना है जब तक ये फाइनल ना हो जाए, ठीक है, तो आपको ये भर लें। अब ये पूछ रहा है कि आप ब्लाइंड है तो नो कर दें, और पैलेस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, निवासी क्षेत्र आपका क्या है, रूरल है कि अर्बन है, तो आप अपने अनुसार चूज कर लें आप किस रेसिडेंस से हैं। अब आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि एलिजिबिलिटी, अ कैंडिडेट्स ट्रीटेड एज अ कैंडिडेट्स ऑफ ही सी फुलफिल एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन मिलेगा उनको,
ट्रीटेड एज अ कैंडिडेट्स ऑफ यूपी इफ सी फुलफिल एनी वन ऑफ द कंडीशन ऑफ फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पे चूज कर लें, अगर अदर स्टेट के बंदे हैं तो वो चूज कर लें अदर देन उत्तर प्रदेश, तो उनके लिए सही है। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो डोमिसाइल ऑफ यूपी अवश्य चूज करें। देखिए बार फिर से यहाँ पे सेशन एक्सपायर हो गया, थोड़ा सा ये दिक्कत आ रही है दोस्तों, आपको भी ये फेस करना पड़ सकता है। मैं यहाँ पे आपको भर के दिखा रहा हूँ, बार बार लॉगिन करना पड़ेगा, पासवर्ड मैं दोबारा से सेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, मैंने पहला स्टेप आपको क्लियर कर दिया, लिंक भी आपको मैं दे दूँगा, और आगे जो है थोड़ा सा मैं एक बार और ट्राई कर ले रहा हूँ। ये देखिए फिर से आ गया कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, और आपको आगे का थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से वो भर रहा हूँ, आगे दिखा देता हूँ। आगे आपको क्या करना है, ये सब कैटेगरी सब आपको चूज कर लेनी है, और आर यू ब्लाइंड नो कर देना है, पैलेस ऑफ रेसिडेंस, रूरल अर्बन ये चूज करना है, क्या आप राज्य की पात्रता आपको दिखानी। तो मैं आपको बताया कि अगर अदर स्टेट है तो अदर देन यूपी कर दें। अब नेशनलिटी और हैव यू अप्लाइड अदर ग्रुप, अगर किए हैं तो यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। आपने किसी अदर ग्रुप के लिए भी अप्लाई किया है पूछ रहा है, तो अगर आप दो तीन ग्रुप में भी अप्लाई किए हैं तो वो भी चूज करना। अब आपको अप्लाई फॉर किस पोस्ट पे आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको चूज करना है ग्रुप बी सी डी ई, यहाँ पे आपको अच्छे से चूज करना पड़ेगा कि आप किस ग्रुप पे आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद आपको एग्जाम सिटी और सेकेंड एग्जाम सिटी, दो आपको एग्जाम सिटी चूज करना है, और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन भरना है और सबमिट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई आपको दिक्कत होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप अपलोड इमेज, और लास्ट स्टेप फाइनल पेमेंट। ठीक है, तो ये चार स्टेप्स हैं, ऑलमोस्ट आपको मैंने दो कवर करके बता दिया, और थोड़ा सा बार बार लॉगिन हो जा रहा है। नो डाउट आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, आप खुद से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉर एवर, हमेशा वैकेंसी आपके सामने आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।